अगर बिग बॉस 70 के अंदर ऐसा हो जाता तो इतिहास के अंदर पहली बार होता और बड़े बड़े पन्नों के अंदर ये नाम लिखा जाता, क्योंकि अंकिता लोखंडे जिस तरह से बार बार विकी जैन से बोल रही थी, जिस तरह से वो बोल रही थी मुझे खट्टा खाने का दिल बोल रहा है, मुझे पीरियड वगैरह, ये सारी चीज़ें नहीं हुई है। और कहीं ना कहीं आपसे बता दूं, ने कई बार डिस्कस किया कि मैं प्रेगनेंसी तो नहीं हूँ, और उसी के साथ बिग बॉस के घर में ये न्यूज़ फैल चुकी थी, जहाँ पर जिग्ना जी भी बोल रही थी अगर ये प्रेगनेंट नहीं तो मैं उसकी सेवा करूँगी, ये करूँगी, और बिग बॉस के घर से बाहर भी न्यूज़ आ चुकी थी, यानी कि जनता को भी मालूम पड़ चुका था। और जनता बेसब्री से बेनते वेट कर रही थी, क्योंकि जिस तरह से अंकिता ने बोला था विकी जैन को कि मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट डाला है, हालांकि साफ साफ विकी जैन ने बोला था देखो हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं, फिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो उन्होंने फिर भी प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए डाला था। और लोग वेट कर रहे थे कि आखिर ये टेस्ट क्या निकल कर आएगा, आखिर बिग बॉस के अंदर इतिहास रचा जाएगा कि कोई बिग बॉस में जाके प्रेगनेंट हुआ, प्रेगनेंसी हो। तो आपसे बता दूँ, जो रिपोर्ट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वेट कर रहे थे बिग बॉस के इतिहास रचने के लिए, बड़े बड़े नाम मतलब लगने के लिए, तो आपसे बता दूँ आपका जो सपना था वो फेल हो चुका है, क्योंकि अंकिता लोखंड की रिपोर्ट आ चुकी है, जहां पास क्लियर ये बताया गया कि निगेटिव रिपोर्ट है, यानी कि अंकिता कोई प्रेगनेंसी या प्रेगनेंट से नहीं है। ऐसे में आपने जो भी सोचा होगा मन के अंदर अंकिता के बारे में, तो वो सारी बातें गलत निकली, अंकिता कोई प्रेगनेंट वगैरह नहीं है, प्रेगनेंसी से नहीं है। लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर इतिहास होता, लेकिन इसी पर आपका क्या बोलना मुझे कमेंट करके बताइए। और इसी के साथ इस वीडियो जितना हो सके उतना शेयर करना फैलाइए, ताकि लोगों तक ये वाली इन्फॉर्मेशन पहुंचे।